हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि कई बार आपसे ये समझने में गलती हो जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है या ये आरडीबीएमएस में भी डील करता है, तो यहां पर कई बार गलती हो जाती है आपसे। ठीक है, आप ये समझने में गलती कर देते हैं कि ये जो है क्या है, एक सिर्फ डीबीएमएस है। तो सिर्फ डीबीएमएस नहीं है, ये आरडीबीएमएस भी होता है। आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये एक RDBMS सॉफ्टवेयर होता है। तो कई बार आप गलती से अगर इसे DBMS ही समझ लेते हैं तो आप अब ये गलती मत करिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूं कि कैसे ये RDBMS है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक्सेस को ओपन करने वाले हैं, और एक बड़ा डेटाबेस है तो इत्मीनान से समझिएगा और पूरा का पूरा RDBMS आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं ये विंडो ओपन होती है, और यहां पर जो है ये देखिए ये लिखा हुआ आया है डेटाबेस 255 और .accdb इसके फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो मैं यही नाम रहने देता हूं, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब ये सिनेरियो आ जाता है, अब यहां पे लिखे कैसे सवाल ये उठता है। अगर यहां पे आते हैं तो यहां पे आप लिखने से रहे, और यहां पे ये फील्ड 1 फील्ड 2 आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहां से आप तो हटा भी नहीं सकते। आप यहां पे जाकर के एक-एक हटाएंगे तो फिर तो हो चुका काम, बहुत टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे क्लिक करके हटाएंगे नहीं, ये प्रॉपर वे नहीं है लिखने का। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम लिख देंगे इस पर डबल क्लिक करके स्टूडेंट या कुछ भी ऐसे लिख देंगे, तो ये प्रॉपर वे नहीं है। ठीक है, ये करने का। ठीक है, तो प्रॉपर वे क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो व्यू आपको दिखाई देंगे, ये दिख रहा है, तो यहाँ से जाइएगा डिजाइन व्यू पर। ठीक है, और डिजाइन व्यू पे जाते ही यहाँ पे टेबल नजर आएगा, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन टेबल। इसे मैं क्या करूंगा, रजिस्ट्रेशन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा और वही ये रजिस्ट्रेशन की टेबल है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टी कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए ये जो है जो हमने लिखा था वो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये प्राइमरी की है। अब किस तरीके से ये रिलेशनल डेटाबेस है, इसको समझने के लिए यहाँ पर टेबल्स तो बनानी ही होंगी, तो यहाँ पर मैं एक रजिस्ट्रेशन आईडी दे देता हूं, तो ये कर दिया रजिस्ट्रेशन और अंडरस्कोर लगा के आईडी कर देते हैं। और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे क्या, यहाँ पे हम डेटा टाइप रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम या नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट हो गया। और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हटा देते हैं, अब ये सिर्फ इसमें दो ही फील्ड हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसको व्यू पे क्लिक करके ओके करिएगा, तो ये अब कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर वे। ठीक है, आप गलत तरीके से इस डेटाबेस को ना बनाइएगा। अब तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी में 2 आ रहा है, तो मैं इसे हटाने वाला हूं, और यहाँ पे मैं AAA001 लिखूंगा। ये मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आईडी, और आप इसे रिपीट भी नहीं कर सकते, जो रजिस्ट्रेशन आईडी एक बार आपने डाल दी उसे रिपीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम अवनीश लिख देता हूं, और फिर यहाँ पर आते हैं, तो फिर यहाँ पे AA और फिर यहाँ पे 002 करेंगे, और फिर यहाँ पे दूसरा नाम रजनीश लिख देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से दो नाम हमने लिख दिया, और भी कोई नाम अगर टाइप करना हो तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है AAA003 कर देते हैं, और यहां पर एक और नाम लिख देते हैं जैसे लोकेश। तो यहां पर कुछ नाम हमने इंटर कर दिए, अब यहां से इसको बंद करने की बारी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्रिएट पे जाइएगा, फिर टेबल पे जाइएगा। आप टेबल पे आए, अब ये तो दूसरी टेबल बनानी है, तो दूसरी टेबल किस नाम से बनेगी, तो दूसरी टेबल बनेगी हमारी स्टूडेंट आर के नाम से, यानी स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। अब यहां पर आते हैं तो यहां पर देखिए यहां पे फिर ये प्राइमरी की दिख रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इंटरव्यूज में सवाल पूछा जाता है कि प्राइमरी की एक टेबल में कितनी हो सकती है, तो एक ही हो सकती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की यूनिक की होती है, यानी एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी, तो ये चीज याद रखिएगा। और यहां पर भी मैं प्राइमरी की बनाने जा रहा हूं, तो इस बार मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बनाऊंगा, तो ये लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर, तो ये हो गया रोल नंबर, और इसको ऑटो नंबर रख दिया है। यहां पर अब क्या करेंगे, यहां पर हम देंगे क्लास का नेम या सेक्शन, सेक्शन देंगे, तो यहां पर सेक्शन किया हमने, तो ये हो गया सेक्शन। और सेक्शन में जाकर के हम यहां से एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, तो यहां से लुकअप विजार्ड पे जाके, और फिर आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाके, और फिर यहां पर कॉलम बनेगा। तो यहां पर सेक्शन ए हो गया, यहां पर सेक्शन बी हो गया, यहां पर सेक्शन सी हो गया, तो ये तीन सेक्शन हमने बना दिए, और यहां से जाके इसे फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे कि रोल नंबर के बाद यहां पर सेक्शन भी आ रहा है। अब यहां पर वापिस से वही चीज कि रजिस्ट्रेशन आईडी वहां पर हमने डाला था ना पहले वाले टेबल में, तो यहां पर भी आपको रखना होगा रजिस्ट्रेशन आईडी, और रजिस्ट्रेशन आईडी का डेटा टाइप हमने शॉर्ट टेक्स्ट दिया था, तो यहां पर भी वही रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर तो ये चीजें सेम ही रहेंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से आप चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं ये किस तरीके से ड्रॉप डाउन तैयार हो गया है।
और ये रजिस्ट्रेशन आईडी में तो हमको वही रखना है जो वहां पे रखा था, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप के लिए बड़ा जरूरी है, और यहाँ पे ये वन कर दिया, देखिए यहाँ पर भी आपको वही चीज मिलेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। और सेम यही चीज हमको यहाँ पर स्टूडेंट आर में एंटर करनी है, और यहाँ पर भी सेक्शन ए है, और यहाँ पर क्या करता हूँ 8002 कर देते हैं, ठीक है, डबल ए 002, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर सेक्शन तो ए ही रखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर डबल ए 003 कर देते हैं, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो अभी ये रिलेशनशिप हमारी बिल्ट होगी, कैसे बिल्ट होगी दिखाता हूँ। देखिए इन दोनों को क्लोज करता हूँ, इसको भी सेव कर देता हूँ और क्लोज करता हूँ। तो देखिए दो टेबल्स बन गई। अब अगर ये रिलेशनल डेटाबेस है तो इसमें रिलेशनशिप तो बननी ही चाहिए, अगर नहीं बनती है तो यानी कि ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, तो रिलेशनशिप हमें क्रिएट करानी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, देखिए रिलेशनशिप अलग अलग तरीकों से क्रिएट कराई जाती है, आप यहां से क्रिएट पे जाके, फिर यहां से क्वेरी विजर्ड पे जाके भी रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं। कैसे, यहां पे देखिए सिंपल क्वेरी विजर्ड आ रहा है, यहां पर जाइए। अब यहां पे देखिए रजिस्ट्रेशन की टेबल है, तो ये दोनों ही फील्ड हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन टेबल में। यहां पे देखिए स्टूडेंट आर आ रहा है, तो स्टूडेंट आर में हमें रोल नंबर चाहिए और सेक्शन चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहां पर हम जाएंगे इस तरीके से, और ये देखिए ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और जैसे ही आएगा तो यहां पर ऐड टेबल दिया हुआ है, तो यहां पर आप टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और अब आप रजिस्ट्रेशन आईडी को रजिस्ट्रेशन आईडी के ठीक सामने रख करके और यहां पर वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये तो पहला तरीका हुआ कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करी जाएगी, ठीक है। इस रिलेशनशिप को मैं यहां से हटाता हूं, यहां पर जाकर के इसे डिलीट कर दिया मैंने। अब जो है यहां पर रिलेशनशिप नहीं बनी हुई है, और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूं, सेव नहीं करता हूं, ठीक है। तो यहां पर अब आएंगे तो यहां पर आपको कोई प्लस का साइन नहीं दिखेगा, अगर आप रिलेशनशिप बना लेते हैं तो प्लस का साइन दिखता है। दूसरा तरीका क्या है, यहां से डेटाबेस टूल्स पे जाइए और यहां रिलेशनशिप पे जाइए, ये दोनों टेबल्स आ जाएंगी, एक को खींच के यहां लाइए फिर दूसरे को यहां लाइए, ठीक है। और यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी के ठीक सामने रजिस्ट्रेशन आईडी को रख दीजिए और ये बन गया आपका रिलेशनशिप। यानी सीधे तौर पर ये प्रमाणित करता है कि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर तो रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, अभी आप देख सकते हैं यहां पे ये रिलेशनशिप तो बिल्ट हो ही जा रही है। अगर मैं इस रजिस्ट्रेशन आईडी को यहां पे लाके रखता हूं तो ये कह रहा है ना इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप ये बन रहा है। अब देखिए ये बन भी गया, तो ये दोनों तरीकों से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। और मैंने कहा था ना कि यहां पर भी चीजें दिखेंगी, ये देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में ही रहना चाहते हैं तो, और आप ये देखना चाहते हैं कि रोल जो रजिस्ट्रेशन आईडी है डबल ए 001 जिनका कि नाम अविनाश है उनका सेक्शन क्या है, तो सेक्शन ए है और रोल नंबर क्या है 1 है। यहां पर ये पूरी चीज एक ही बार में आपको दिख जाएगी, और ये फायदा होता है रिलेशनशिप का। मतलब बीबीएमएस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आरडीबीएमएस भी है। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये आरडीबीएमएस नहीं है तो वो गलत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी डीबीएमएस और आरडीबीएमएस की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।